गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अवर कंपैरिजन नंबर टू इन सर्च ऑफ वाटर. अर्ली वन मॉर्निंग टीना वॉज वेकअप बाय अ स्ट्रेंज लिटल क्रिएचर. इट वॉज एन अलाइन फ्रॉम अ फार अवे स्टार. ही हैड लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस. ही आस्क हर टू हेल्प हिम फाइंड अ क्लीन सोर्स ऑफ वाटर. ही नीडेड इट टू रिफ्यूल ही स्पेसशिप. Tina got into the spaceship and looked at the line to a nearby pond, a lake, a river and a well, but everywhere the water was dirty. Will they find clean water on Earth? Read on to find out. So students, this is the story about a clean water. यहाँ पे एक लड़की है टीना, वो मॉर्निंग में उठ रही है और उसने देखा उसकी विंडो में से कि एक ब्यूटीफुल स्काई में से, स्टार में से एक स्पेसशिप नीचे आ रही है और वो उसके घर के बाहर लैंड हुई. उसमें से एक जेटो करके एक एलियन निकला और उसने टीना से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे एक क्लीन वाटर चाहिए, मुझे मेरी जो स्पेसशिप है उसको रिफ्यूल करना है. तो टीना उसे कहती है, हाँ मैं आपकी मदद करूँगी. और वो उसके घर के पास जितने भी पॉन्ड्स थे, लेक थे, रिवर थे, वेल थे, वहाँ पे जाके उसने क्लीन वाटर सर्च किया. पर सब जगह पे वाटर कैसा था? डर्टी था. चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होता है. बाई नाउ टीना वॉज वरीड एंड अनहैप्पी. शी हैड नेवर थॉट दैट फाइंडिंग अ क्लीन सोर्स ऑफ वाटर कुड बी सच अ प्रॉब्लम. सीज एंड ओशंस would be of no use to Zeto because they had large amount of salt and other chemicals in them. All the rivers carrying chemicals from factories and farmland it finally flowed into the seas and oceans and kept filling them with more chemicals. Where could I find a clean source of water? She wondered suddenly. Tina saw cloud in the sky. She pointed to the cloud and यहाँ पे क्या हो रहा है आगे के जो जेटो था वो टीना से कहता है कि मुझे ये ओशंस है, सीज है, वो पानी मुझे नहीं चलेगा, वो वाटर मुझे नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी होता है और उसमें केमिकल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है. और ये केमिकल्स कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज में से, जो गंदा कचरा हम घर में से भी हम जो डस्टबिन में डालते हैं ना, वो फिर कचरे वाला आता है, वो लेके जाता है. वो सारा कचरा कहाँ पे जाता है? रिवर्स, पॉन्ड, जो सीज है, ओशंस है, वहाँ पे जाके जमा हो जाता है और वहाँ पे एक वो पानी डर्टी हो जाता है, केमिकल बेस हो जाता है. एंड सी जेटो, देर इज अ सोर्स ऑफ क्लीन वाटर. लेट्स गो where it is raining heavily. Soon the ship was in the middle of the downpour. Zeto tasted the falling water. I'm sorry, said Zeto sadly. Your rain is full of chemicals and acids too. The rainwater is not clean. Even the rain, Tina could not believe it. You should not be surprised, said Zeto. Your factories and motor vehicles give out gases and chemicals. Passing cloud take this in and acids are formed. The acids then fall into the ground with the rain. यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर क्या किया कि टीना ने बोला कि यहाँ पे आगे देखो क्लाउड आ गए, ब्लैक ब्लैक, वहाँ पे बारिश होगी. तो जेटो और टीना वहाँ पे मिडल ऑफ द क्लाउड के पास गए और जो बारिश हो रही थी उसमें से जेटो ने जो रेन वाटर है वो उसने टेस्ट किया और जेटो ने बोला कि ये पानी भी मुझे नहीं चलेगा क्योंकि आपका जो रेनिंग हो रहा है वो भी कैसा है? केमिकल वाला है. तो टीना एकदम सरप्राइज हो जाती है कि वो कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो स्काई में से आ रहा है. देन जेटो ने बोला, सरप्राइज मत हो क्योंकि आप जो भी फैक्ट्रीज़ में जो भी स्मोक हो रही है वो स्मोक है, फिर आप व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं उसमें से जो स्मोक निकलती है वो है. तो जब भी क्लाउड इसमें से पास होते हैं तो वो ये स्मोक को ऑब्जर्व करते हैं और उसे गैसेस और एसिड में कन्वर्ट करते हैं और वो फिर लैंड पे बाय रेनिंग गिरते हैं.
Let's go to South Pole, Tina said suddenly. Water is clean there, but you will only get it in the form of icebergs. Zeto smiled and said, Tina, human beings have to be very careful while using water. After all, water is necessary for you to stay alive. Life started in water, almost everything on earth, plants, birds, and animals, needs water to live. If you dirty it anymore, that will be the end of the life on earth. But then, how do I get clean water to drink, have a bath, and wash my clothes? Asked Tina, puzzled. Hug mechanical plants clean the dirty water found in river and lake. Then it is supplied through pipes to homes, offices, and factories, replied Zeto. A lot of time and energy is used in making one single glass of water, he finished. A single glass of water? Exclaimed Tina. She had never thought about water like that. It suddenly became very important to her. Yes, it is more important than anything else in your home, added Zeto. More important than my TV, computer, books, toys. Yes, it is, Zeto replied. Can you stay without water for a single day? No, I certainly cannot. But then what should we do? Asked Tina. Human beings must be careful about what they do. They must not let water get any dirtier, replied Zeto. Earth is the only planet where water is easily available. As you can imagine, it is the most precious things in the solar system. Meanwhile, the aligned ship had landed on top of Tina's house again. Bye-bye, Tina, said Zeto, waving his hand. I am now going straight to Antarctica for clean water. But remember, you cannot go to the Antarctica every time. You need a glass of clean water. Bye-bye. The ship flew up, slowly turned into the blue ball, and then disappeared into the clear sky. So, यहाँ पे क्या होता है, फिर टीना ने पूछा जेटो से, तो फिर अब हम क्लीन वाटर कहाँ से लाए? तो जेटो ने कहा कि जो भी तुम घर पे पानी लेते हो, पानी यूज़ करते हो, कहाँ से आता है? तो वो एक बड़ा सा प्लांट होता है जिसमें जो ओशन है, सीज है, उसमें से पानी वो प्लांट्स में थ्रू होके क्लीन होता है, और वो पानी आपको घर तक, ऑफिस तक, हॉस्पिटल्स तक बाय पाइप से हमें वो पानी मिलता है, क्लीन वाटर, और हम उसे यूज़ करते हैं. पर जेटो ने क्या कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी पानी को गंदा मत करो, यानी कि सीज है, ओशंस है, वहाँ पे गंदगी क्यों होती है? क्योंकि हमारी बिकॉज ऑफ जो भी हमारी डेली रूटीन है, उसमें हम काफ़ी गार्बेज है, फैक्ट्रीज में से भी गार्बेज निकलता है, जो स्मोक निकलती है उससे सब केमिकल्स स्प्रेड होते हैं. सो इन शॉर्ट, आपको क्या करना है कि आप जो भी पानी यूज़ करते हो उसे केयरफुली यूज़ करो, क्योंकि वो क्लीन होके आता है. और फिर जो जेटो है वो बोलता है, कब मैं जा रहा हूँ, मैं अभी क्लीन वाटर एंटार्क्टिका जा रहा हूँ और वहाँ से मैं क्लीन वाटर ले लूँगा. लेकिन आपको हर बार जब भी क्लीन वाटर चाहिए तब आप एंटार्क्टिका नहीं जा सकते हो. तो आपको क्या करना है कि जो भी आप पानी यूज़ कर रहे हो उसे केयरफुली यूज़ करो, और केमिकल और डस्ट को फैलाना कम करो. नाउ वी आर टेकिंग अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, मैच दिस वर्ड फ्रॉम द स्टोरी टू देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वन, प्रीसियस. सो आंसर इज वेरी वैल्यूएबल. सोर्स, a place where something being or is found. Downpour, heavy rainfall. Necessary, needed to, required, available, easy to get or use.
answer this question. First one, who was Zeto and what did he ask Tina to do? Zeto was an alien. He asked Tina to help him find a source of clean water. Why did Zeto need clean water? Zeto needed clean water to refuel his spacecraft. Why was a rainwater not suitable for Zeto? The rainwater was not suitable for Zeto because it was full of chemicals and acids and therefore was not clean. Why do human beings need to be careful when using water? Human beings need to be careful when using water because it is the most precious resource on earth, and if we dirty it any more. But remember, you can not go to Atlantica every time you need. Answer is glass of water. This sentence suggests that Atlantica is a dangerous. We should use water carefully. The water in Atlantica is too cold, or human being needs spaceship to go Atlantica. So the exact answer is we should use water carefully. Okay, students, goodbye, take care.